एसबीआई न्यूज टुडे के अंदर लेटेस्ट ब्रेकिंग हेडलाइंस न्यूज अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर यहां आप देख पा रहे होंगे 5 जुलाई 2018 का सुबह सुबह का अपडेट आ रहा है कि एसबीआई खाताधारकों के लिए आई बुरी खबर, इस नियम के बाद करनी पड़ सकती है जेब डीली। पहला नियम तो ये, दूसरा नया नियम और बड़ी खबर आप यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एसबीआई खाताधारक ध्यान दें, इस जरा सी लापरवाही से गवां बैठेंगे अपना पैसा। ये भी 5 जुलाई 2018 का सुबह सुबह 6:44 AM के ऊपर खबर आई थी दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, देख पा रहे होंगे कि अगर एसबीआई में अकाउंट है और ऑनलाइन करते हैं पैसे ट्रांसफर तो जरूर पढ़ लें बड़ी खबर। चौथा बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे कि एसबीआई खाताधारकों के लिए आई बुरी खबर, अब इस काम के लिए भी देने होंगे 500 रुपए। और पांचवी खबर दोस्तों सभी के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज कह सकते हैं, एसबीआई लेटेस्ट न्यूज टुडे के रूप में निकल कर आ रहे हैं कि एसबीआई की नई स्कीम पैसे बढ़ाने का मिलेगा बड़ा फायदा सभी ग्राहकों को। क्या दोस्तों, एसबीआई खाता वालों को सरकार की तरफ से यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई स्कीम के तहत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ये पांचवी बड़ी खबरें जो निकल कर आ रही, चार तो ऐसे नए नियम है और पांचवी ऐसी नई स्कीम है। तो दोस्तों इन सबको मैं फटाफट से एक एक करके आपको बता देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं और आपको अपडेट भी मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आज के इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान का भरपाया करना पड़ सकता है अगर आप एक भी नियम को अनदेखा कर दें तो। दोस्तों बात करें पहले नए नियम की जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर लेटेस्ट एसबीआई न्यूज हेडलाइंस अपडेट के रूप में ट्रेनिंग अलर्ट और खबर निकल कर आ रही है। तो देख पा रहे कि एसबीआई खाताधारकों के लिए आई बुरी खबर, इस नियम के बाद करनी पड़ सकती है जेब डीली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in के ऊपर फ्लैश के रूप में एक नया नोटिफिकेशन लगाया है जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि एसबीआई के जो भी ग्राहक है वो अगर खाता बंद करवाना चाहते तो उन्हें 500 रुपए फीस देनी होगी और उसके साथ में जीएसटी भी लगेगा। जी हाँ, दूसरा बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे कि एसबीआई खाताधारक ध्यान दे, इस जरा सी लापरवाही से गवां बैठेंगे पैसा। तो ये जो खबर और अपडेट निकल कर आ रहा है इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों ने अगर इस बात का ध्यान नहीं दिया तो उन्हें पैसों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। एसबीआई मैनेजर के गुप्ता ने बताया कि डेबिट कार्ड होल्डर्स अपनी माँ का सरनेम किसी के साथ शेयर ना करें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि जब आप अपने डेबिट कार्ड का पासवर्ड रीसेट या करते हैं तो ऐसे में सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पर आपका माँ का सरनेम पूछा जाता है। ऐसे में आपको अपने मम्मी का नाम किसी भी कॉन्फिडेंशियल चीजों पर या ऐसी जगह पे नहीं बताना चाहिए। तीसरा बड़ा अपडेट देख पा रहे कि अगर एसबीआई में अकाउंट है और करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर तो जरूर पढ़ लें खबर। दोस्तों ये जो खबर है बहुत बड़ी है लेकिन इसको जब मैंने पूरा पढ़ा तो इसका जो सारांश निकला मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ पे कि अगर अपन एसबीआई के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि आरटीजीएस नेफ्ट वगैरह का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको एसबीआई सभी सर्विसेज जो बैंकिंग सर्विसेज वो मोबाइल या कंप्यूटर पर ही उपयोग करने की सुविधा देता है। ऐसे में आपको इन सर्विसेज और चीजों का यूज करते समय कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो जरूर ध्यान में रखने चाहिए। पब्लिक वाईफाई पर एसबीआई ऑनलाइन लॉगिन ना करें, एसबीआई ऑनलाइन लॉगिन के पासवर्ड जो अपने ब्राउजर में सेव वगैरह ना करें। इसके अलावा बार बार बैंक आपको ये जानकारी देता रहता है कि अगर कोई अननोन आदमी आपको फोन या एसएमएस के जरिए पूछे कि आपका एटीएम कार्ड पिन नंबर वगैरह क्या आधार नंबर तो ऐसे नहीं बताएं क्योंकि इससे आपका बैंक अकाउंट फ्रॉड हो सकता है और आपके पैसे निकल सकते हैं। जानते हैं दोस्तों अगला अपडेट यानी कि नई स्कीम के तौर पर जो सभी एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, आप अपने जमा पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज आपके वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन फटाफट से उस पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लेना, पास में एक छोटा सा नन्ना सा घंटी का आइकन उसे जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। और दोस्तों अब तो आप जीत सकते हैं डीएलएस न्यूज की तरफ से कंबाइजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि अभी मार्केट में ऐसी कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो सबसे सस्ता 4G इंटरनेट अपने ग्राहकों को दे रही है। जो लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे डीएलएस न्यूज की तरफ से और आप जीत सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट टूल गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। बात करें एसबीआई की नई स्कीम की तो यहाँ जो अपडेट निकल कर आ रहा है इस पूरी खबर को दोस्तों मैंने जब पढ़ा तो इसका जो सारांश निकला वो मैं आपको बता दूं कि अपने घर में जो सोना चांदी का ज्वेलरी होते हैं आप अगर शादीशुदा है तो अपने पति पत्नी के जो गोल्ड की ज्वेलरीज है उनको आप अपने घर में रखते हैं तो उनके ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिलता जबकि उनको आप अपने एसबीआई के लॉकर में न रख करके एक एसबीआई के स्पेशल स्कीम अकाउंट में रखवाते हैं तो वहाँ पे आपको उस पर हर महीने हर साल एक ब्याज मिलता है। आप चाहें तो इसको कम महीने या कम टाइम के लिए भी रखवा सकते हैं। इसको एसटीबीडी यानी कि शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट कहा जाता है और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसको जब मैंने पढ़ा और रिव्यू किया तो यहाँ पे काफी कुछ अच्छा अपडेट मिलता है सभी एसबीआई ग्राहकों को। अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो जिस बैंक में आपका एसबीआई में खाता है उस ब्रांच में जाकर के आप उन्हें पूछ सकते हैं कि गोल्ड के रिलेटेड क्या अकाउंट स्कीम चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद है चार नए नियम और स्कीम का अपडेट आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और डीएलएस माइंड के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।